हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स पर चर्चा करेंगे। हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं और किसी भी वस्तु या किसी भी आकृति का निर्माण रेखाओं और कोणों के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। चलिए हम इस सत्र की शुरुआत रेखाओं से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रेखाएं कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। हम इसे ए बी पी क्यू एम एन से और कभी कभी छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स एल एम एन से भी दर्शाते हैं। यह हमेशा सीधी होती है। हम कह सकते हैं कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। यह तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि इसे दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। हम यह दो रेखाएं लें, ए बी और एम एन, तो हम इसे कितने प्रकार से खींच सकते हैं? दोस्तों, हम इन्हें दो भिन्न प्रकार से खींच सकते हैं। पहला यह है कि वह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, कुछ इस प्रकार। यहां बिंदु सी इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसलिए इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और दूसरा यह कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें, यानी एक दूसरे के समांतर हों। इन दोनों समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर बने उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयां समान होंगी। दोस्तों, यदि तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, कुछ इस प्रकार, तो उन्हें संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यदि यह एक रेखा में ना हो तो इन्हें असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, यदि हम किसी रेखा के एक सिरे को बिंदु से दर्शाएं तो क्या होगा? अब हम इसे रेखा नहीं, किरण कहेंगे। जैसे कि सूर्य से आने वाली रोशनी को हम किरण कहते हैं, क्योंकि रोशनी के उद्गम का स्रोत निश्चित है। यदि हम दोनों सिरों को बिंदु से दर्शाएं तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और अब यह एक रेखाखंड है। अब तक हमने रेखाओं पर चर्चा की, चलिए आगे बढ़ते हुए अब कोणों पर चर्चा करते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण बनाती हैं। इस उभयनिष्ठ अंत बिंदु को हम कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं, और कोण को बनाने वाले इन किरणों को हम भुजाएं यानी साइड्स या आर्म्स कहते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम विभिन्न प्रकार के कोणों का अध्ययन कर चुके हैं, चलिए उसे एक बार दोहराते हैं। जब कोण का माप 0° और 90° के बीच हो तो उसे न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहते हैं। जब कोण का माप ठीक 90° हो तो उसे सम कोण यानी राइट एंगल कहते हैं। यदि कोण का माप 90° से अधिक लेकिन 180° से कम हो तो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और जब कोण का माप ठीक 180° हो तो उसे ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जब किसी कोण का माप 180° से अधिक पर 360° से कम हो तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दोस्तों, यदि दो कोणों का योग यानी दो कोणों को जोड़ने पर माप 90° होता है, ऐसे कोणों को पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यदि दोनों का योग 180° हो तो उसे संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स हो और एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड, और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो तो हम ऐसे कोणों को आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, कोण PQS और कोण SQR, इसमें दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु Q एक ही है और भुजा QS उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है। और यह दोनों भुजाएं PQ और QR भुजा QS के विपरीत स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण PQS और कोण SQR आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल हैं। दोस्तों, क्या आप आकृति को देखकर कोण PQS, कोण SQR
और कोण PQR में कोई संबंध बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ कोण PQR, कोण PQS और कोण SQR से मिलकर बना है, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आकृति को देखकर बताइए, क्या कोण MNP, PNO आसन्न कोण हैं? जी हाँ, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु N है और उभयनिष्ठ भुजा NP, यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। इस प्रकार कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ रेखा MN रेखा PQ को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म यानी जोड़ियां मिली। पहली जोड़ी कोण MOP और कोण NOQ है। क्या आप दूसरी जोड़ी का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, कोण MOQ और कोण PON, यह रही शीर्षाभिमुख कोण की दूसरी जोड़ी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाओं और कोणों के कुछ आधारभूत पद और परिभाषाओं पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।